अयोध्या में मंदिर मुद्दे पर कोर्ट के फैसले से पहले संतों की ओर से आयोजित राम नाम जाप के कार्यक्रम में राम का नाम जपना एक हाजी को महंगा पड़ गया। अयोध्या छोड़कर दिल्ली जा दीन की तालीम लेकर अयोध्या लौटे तो काफिर कहे जाने और धमकियों से आजिज आकर हाजी ने मस्जिद में माफी मांगी। बताया जा रहा है कि इस वाक्य के बाद मस्जिद में नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सामने जय श्री राम के नारे लगाने के विरुद्ध माफी मांगना पड़ा। अब हाजी सईद अहमद अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हाजी सईद अहमद 2005 में सऊदी अरब में रहने के दौरान हज कर चुके हैं, उसके बाद वो अयोध्या में आकर रोजगार कर रहे हैं। हाजी सईद अहमद का कहना है कि उनको कट्टरपंथी मुसलमानों से जान का खतरा है और उनको सरकार सुरक्षा मुहैया कराई। उनका ये भी कहना है कि देश में सभी धर्मों को आदर किया जाना चाहिए, ऐसे में उन्होंने जय श्री राम के नारे एक तरह से सम्मान के दृष्टिकोण से लगाए थे, जिसको लेकर लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐलानिया तौर पर जो रुख रोशन किया है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं, या अल्लाह मैं अपने इस कौल और अमल से सच्ची तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह में सच्चे दिल से रुजू करता हूँ और मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं इसे बहुत दिन से ये मामला चल रहा है, जब से मैंने जो जय श्री राम कहा था वहाँ परमहंस महाराज के साथ, मैं कोई उनको नौजुबिल्ला खुदा समझ के नहीं बोला था, मैंने उनका एहतराम किया, एहतरामन मैंने बोला। उसके बाद जब मैं बोल के आया, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था कि ये काफिर हो गया, कोई कहा इस्लाम से खारिज हो गया, किसी ने कहा इसको मारूंगा, किसी ने क्या किया, कोई गाली दिया, कोई क्या किया, मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया। मैं नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अगर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कान में तुमने ये जय श्री राम कहा इस्लाम से वो हो गए, तो उस पर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी।